हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पटाटो 65 की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही चटपटा लगता है और हेल्दी भी है। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करना। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने 4 बड़े साइज के आलू ले लिया है, तो इसको हम छील लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। देखो, 4 आलू को मैंने छील लिया है और अभी थोड़ी धो देंगे, साफ करेंगे और फिर 4 आलू को कद्दूकस कर दिया है। फिर हम इसे 3-4 बार अच्छे से धो के इसके पानी अलग करेंगे, ऐसे हाथों से मसल के। फिर हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट के डालेंगे, फिर रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे और 1 चम्मच इसमें राइस फ्लोर डालेंगे, चावल का आटा। फिर हम इसे ऐसे मिला देंगे अच्छे से और इसके पकोड़े बनाएंगे। तो पहले से मैंने तेल चढ़ा दिया है गैस में और तेल गरम भी हो गया है, तो एक एक करके हम इसकी पकोड़े बनाएंगे। और देखो, मैंने सारे पकोड़े को तेल में एक एक करके दे दिया है। अभी हम इसे उलट पलट करके छान लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही चटपटा लगती है। अगर आप कभी भी कुछ चटपटा खाना पसंद करते हैं और चाइनीज़ नहीं खाना पसंद करते हैं, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो फिर हम दही लेंगे, उसमें जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक और हल्दी और काली मिर्च पाउडर और नमक डाल के अच्छे से, और 1 चम्मच हम इसमें राइस फ्लोर भी डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। देखो, मैंने ऐसे अच्छे से मिला दिया है। फिर मैंने 2nd बैच की पकौड़े भी इसे बना लिया है, तो इसे भी हम छान लेंगे एक प्लेट में। और ये रेसिपी में दोस्तों कोई भी चिली सॉस, सोया सॉस या कोई भी चाइनीज़ नहीं लगता है। ये बहुत हेल्दी है, तो एक बार ज़रूर आप अपने बच्चों के लिए बनाना। फिर हम कढ़ाई में तेल थोड़ी सी डालेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, करी पत्ता बहुत सारा डालेंगे और फिर प्याज डालेंगे और हरी मिर्च 1 या 2 आप अपने हिसाब से काट के डालना है। फिर हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे और फिर जो हमने मसाला रेडी किया था, और फिर हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर और 1 सूखी मिर्च को डालेंगे और थोड़ी भून लेंगे। और ये थोड़ी जब भून जाए तब हम इसमें जो दही वाला मसाला रेडी करके रखा था उसको डाल देंगे और ये मसाला को भी थोड़ी भून लेंगे और फिर हम इसमें जो पकौड़े बना के रखा था उसको डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिला देंगे। ये रेसिपी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बस 10-15 मिनट में हो जाता है। आपको जब भी कोई चटपटा सा खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।